नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में आए मृतक के दोस्त को भी गंभीर चोट आई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बर अस्पताल पहुंचा दिया है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र की है। यहां के पालदा औद्योगिक क्षेत्र में श्रीजी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक फैक्ट्री है। यहां पर काम करने वाला युवक दीपक यादव शिवांशु नामक युवक विवाद चल रहा था। दोनों युवक फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। आज फिर दोनों के बीच मामूली कहासुनी हुई थी। ये मामूली विवाद इतना बढ़ा कि शिवांशु ने अपने भाई रवि और राहुल को भी बुला लिया। तीनों ने मिलकर दीपक पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव में आए अमित राय पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दीपक के इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं अमित गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज एम्बर अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। श्रीजी बालाजी इंडस्ट्रीज प्लास्टिक कंपनी है। 8:30 से 8:30 का टाइम है। आज क्या घटना में क्या देखा था? कुछ पुराना विवाद था, तो एक लड़के ने जो काम करता है वहाँ पर, उसने किसी दो चार लड़कों को बुलाया साथ में, और कुछ बात मतलब ऐसे हाथापाई हुई, फिर अचानक से चाकू वाकू निकाल के मारने लगा। कितने लोगों को लगे? दो लोगों को लगा। क्या पोजीशन है दोनों की? एक की तो डेट हो गई है और दूसरों को थोड़ा घायल है, मतलब चोट लगी है। ठीक है। अभी घायल का क्या नाम है? अमित। और जिसकी मौत हुई है उसका? उनका नाम दीपक। क्या कुछ वजह है सामने के कारण रहा? कुछ कारण कारण रहा सामने झगड़े का? कुछ कंपनी में काम को लेकर ही है कुछ। आपका क्या नाम है? शुभम सर। एक सुबह सुबह चाकू काटने की घटना हुई थी, क्या घटना है और अभी क्या पोजीशन है? अभी जानकारी मिली थी कि समता नगर पालदा क्षेत्र में श्रीजी प्लास्टिक की एक फैक्ट्री है, जिसमें आपसी झगड़े में राहुल और रवि नाम के दो व्यक्तियों के नाम सामने आए, जिनमें एक दीपक यादव और एक अमित नाम के व्यक्ति को साथ में चाकूबाजी की है, जिसमें दीपक की मृत्यु हो गई है और अमित अभी घायल है। आरोपी राहुल और रवि दोनों की तलाश के लिए टीम जवानें कर दी। चाकूबाजी की घटना की वजह कुछ सामने आई? ये आपसी विवाद है, इसमें शिवांश नाम का एक लड़का है, उसका दीपक से झगड़ा हुआ था, इसीलिए शिवांश के जो दोनों भाई हैं रवि और राहुल, इन्होंने ये चाकूबाजी की। सर मृतक की कितनी उम्र थी, क्या काम करता था? मृतक भी वहीं काम करता था श्रीजी प्लास्टिक में, और करीब 30 साल उम्र थी। अमित जो घायल है वो 26 साल का है। अमित की हालत अभी कैसी है? अमित की हालत अभी गंभीर है और दीपक की मृत्यु हो चुकी है, अभी इसमें कार्रवाई। आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर आनंद राय। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।